गाइस गुड मॉर्निंग, मैं पूजा गुप्ता अगेन वेलकम करती हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो अब जो सुबह उठने के बाद जो अच्छी वाली फीलिंग आती है ना ठंडी में, सही से बताना किसको किसको ठंडी पसंद है किसको किसको नहीं। मेरे को है, लेकिन वो एक नॉर्मल ठंडी पड़ती है तब एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो मेरे को बहुत दिक्कत होने लगती है। तो आज की मॉर्निंग बहुत प्यारी है, हल्की हल्की सी धूप है और हल्का हल्का सा फॉग जैसा पूरा जो है इन्वायरमेंट है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। इधर बहुत ठंडी लगती है, लेकिन मैंने कुछ लाई हो। ओहो, आ गया क्या? कल रात को ही आया था। मैंने आप आई थी ना, तभी आया था। एक मिनट, तो पूजा मेरे लिए लेके आई है मेरी सिस्टर का ज्वेलरी और मैं भूल गई थी, कल आने वाली थी लेकिन आ गई, ये नहीं मुझे पता था। तो पूजा सुबह यहाँ उठने पे ठंडी लगती है ना? हाँ लगती है। हाँ, तो ये अब ठंडी वाला मौसम है, इसीलिए पूरे मॉर्निंग में उठो तो पूरा फॉग और हल्की हल्की सी धूप रहती है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज का जो हम लोगों का प्लान है, हम लोगों ने सोचा कि अभी घर जाना है और अब समय आ गया है कि हमें घर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया। आज का जो प्लान है कि हम सब एक साथ जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, वो भी ढाबे पे। तो कौन कौन जा रहा है मैं आपको बता देती हूँ। भाई किरण दी, राज भैया, अनिका, पूजा, मैं। नहीं, मैं नहीं आ रही। क्यों नहीं जा रही? नहीं, पूजा जाती नहीं है यहाँ। तो चलो, पूजा का कैंसिल है लेकिन अनिका और डॉक्टर साहब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो आपको हम मिलते हैं रास्ते में। पहले स्मार्ट हो, देखो आज शेविंग नहीं की। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो सब लोग निकल चुके हैं और वेट कर रहे हैं भाई का। भाई जो है अभी थोड़ा टाइम लगा रहा है, तो लिफ्ट के सामने एक दूसरे को हम लोग देख रहे हैं। बेबी गुड मॉर्निंग, हो क्या क्लासेस आज नहीं है? ओह वेरी गुड। इस गाड़ी में मैं, डॉक्टर साहब, भैया है और दीदी की गाड़ी भी बन गई। कल शाम को आई तो दीदी ने बोला अपनी गाड़ी से भी चलते हैं और उसमें पेट्रोल नहीं था, तो भैया, दीदी और अनिका गए हैं। अब हम लोग को गेट पे मिलेंगे, तो गेट पे मिलते हैं फिर साथ चलते हैं ढाबे पर। उस्टी फैमिली ढाबा रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे हम लोग को है होप कि हम लोग का ब्रेकफास्ट यहाँ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए निकलते हैं गाड़ी से। तो हम लोग इससे पहले गए थे संतुष्टि ढाबा में, जहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उधर धूल उड़ा रहा था, अभी झाड़ू ही लगा रहा था, तो थोड़ा सा हम लोगों ने अवॉइड किया उस चीज़ को। और हम लोग आ गए हैं यादव ढाबा और सब लोग पहुँच गए हैं। हम क्या कह रहे हैं, संतुष्टि ढाबा में संतुष्ट नहीं थे इसलिए यादव ढाबा आ गए। हाँ तो हाँ, इधर ही बैठते हैं। हाँ भैया, तो यहाँ पे हल्की हल्की सी धूप को एंजॉय करते हुए हम लोग ढाबा पे पहुँच गए। अब चलते करते खाते हैं, कौन सा पेड़ बताओ? तो अब चल करते हैं ब्रेकफास्ट का ऑर्डर देते हैं। ये कौन सा पेड़ है? वो है एक पेड़ है, हरी हरी पत्ती है पेड़। ऐसे कौन बताता है? कदम्ब। कदम, कदम का पेड़ है ये। कदम कौन सा? बोला कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौन तू कौन पे लुटाए जा। दीदी इस बार बहुत लंबा गैप रहेगा, क्या करूं, लोग तो शक्ति नहीं हो और साथ भी नहीं चल पा रही। तो आप भी साथ चलो ना, वही तो दिक्कत है ना, आप घर वाले हो, इतने लंबे शादी के लिए जा रहे हो, पता है शादी 19 की है, आज से जा रही है, आएगी भी बहुत लेट। आएंगी कब वो भी बता दो। आऊंगी मैं 27 को, और मैं भी मिस करूंगी दीदी को, आदत हो गई है दीदी। आई डोंट थिंक सो, आप एंजॉय करो। मैं मिस करूंगी। तो आप कब आओगे ये बताओ? मैं शादी वाले दिन आऊंगी, प्लस मैं 24 को भी आऊंगी क्योंकि हमारे एक एंगेजमेंट है, तो वो भी आऊंगी। ओ तब तो बढ़िया है, फिर से मिलेंगे हम। ठीक तो, हाँ ठीक है। और 19 को जो है एकदम मॉर्निंग में आना, सारे फंक्शन अटेंड करना, हल्दी अटेंड करूँगी, शादी, जयमाल, फिर क्या होता है, फेरे, हाँ सब अटेंड करेंगे। चलो तो बढ़िया है। तो दीदी आएगी हमारे साथ 19 तारीख को। बेबी मिस करोगे?
गुड या गुड मॉर्निंग, हमारा बेबी का तो मॉर्निंग ही नहीं हुआ है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में क्या क्या मंगवाया दीदी? आलू पराठा जो कि अभी तक आया नहीं है, विटामिन डी ज़्यादा ले लिया हम लोगों ने। तो ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, आलू और कांदे की पूड़ी, आलू और कांदे की पूड़ी, स्पेशल वाली चाय। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। और ये कौन सा ढाबा है? माटी का लाल यादव ढाबा, माटी का लाल ढाबा यादव ढाबा था ये। और पहले 5-6 पराठे तो बहुत अच्छे थे, बाद के पराठे ना बहुत गंदे थे और खेस के साथ ही रहे थे, फिर मूड खराब हो गया था। पहले तो मजा आ गया था, पहले वाला बहुत शानदार था। कॉपी पेस्ट। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, दीदी जा रही है अपनी गाड़ी से, हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी से। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ घर, तो मैं दीदी से मिल लूँ एक बार और। दीदी और मैं जा रही हूँ, निकलने वाली हूँ। बेबी बाय बाय बाय। हाँ अभी निकल रही हूँ, जाओ बाय बाय भैया, बाय बाय। हम लोग जा रहे हैं, सब लोग को बाय बाय, जल्दी जल्दी मिलती हूँ, बाय बाय। तो यहाँ पर सबको हम लोगों ने बाय कर दिया है, तो अब चलते हैं घर, मिलते हैं नए नए चेहरों के साथ। लल्ला भी जा रहे हैं। हाँ दीदी भी घर आ चुकी है, तो दीदी से मिलने का एक अलग एक्साइटमेंट है। तो चल के मिलती हूँ और आप लोगों को भी मिलवाती हूँ अपनी बड़ी दीदी। लोग बस अभी अभी घर पहुँचे हैं, काफ़ी टाइम लग गया और बीच में हम लोगों ने जो है थोड़ा चाय वाय भी पिया, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया। तो उसके बाद अब सामान निकाला जा रहा है और लगभग सामान निकल चुका है और काजल अपने काम पे लग चुकी है क्योंकि इसी का सारा सामान है, तो इसका भी ले जाना बनता है, हमारा काम तो यहाँ तक लाने का। सारा सामान, कुछ सामान काजल लेके गई और कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं। और कुछ डॉक्टर साहब अभी गाड़ी में हैं और भाई अपना सोने का सामान निकाल लिया हुआ है कि हाँ उसको, वो इतना थक गया है कि वो जाके सोएगा। तो बाकी लोगों से मिलवाती हूँ चल के ऊपर, तो इसको थोड़ा सा मेहनत के साथ लेके जाएंगे, वैसे तो जानी नहीं है ये ट्रॉली बैग की, यही दिक्कत होती है कि अगर आप फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे घर है और लिफ्ट नहीं है आपके घर, तो आपको ऐसे ही मेहनत करके लेके जाना पड़ेगा जैसे कि मैं लेके जा रही हूँ अभी। फाइनली रूम में सारा सामान आ चुका है, अब मिलते हैं ये छोटी, इससे तो मिले हैं आप लोग, फिर भी अभी मैं आपसे इसको, इससे आपको आराम से मिल पाऊँगी। फिलहाल ये देख लीजिए घर का माहौल और दीदी से भी मिलवाती हूँ आपको थोड़ी देर में। सो गाइस हम लोग घर पहुँचे और आपने देखा हमने सामान वामान भी रखवा लिया है और यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म चाय और छोटी जिसकी शादी है तो इससे मिल लीजिए आप लोग। और ये है मेरी दीदी का लड़का बाबू, इधर आ इधर आ, तो हाय करो, हाय कर ये। और ये है मम्मी, बड़ी वाली दीदी थोड़ा सा रेस्ट कर रही है क्योंकि वो भी अभी कल आई है और इतना सारा काम था कि वो आज मार्केट भी गई थी, तो लौटने के आने के बाद वो थक गई थी, तो इसीलिए वो आराम कर रही। तो मैं उसको आपसे मिलवाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आज के ब्लॉग को यही एंड करती हूँ क्योंकि आज बहुत सारे काम जो भी पेंडिंग में है उसे कंप्लीट करना है। तो कौन कौन सा काम है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। बाय गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।